गाइस लड़का रोकने जा रहे हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। तारीख है 16 दिसंबर, हम कहाँ पर आए हैं? यहाँ से अंदर जाने के बाद होगा कोई गेट नंबर दो नंबर, हाँ अलग होगा, हमें जाना गेट नंबर दो पे। अब तुम बताता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है, आके बताता हूँ। लेट हो रहे हैं, इतनी तेज ला ना, चेकिंग करके अंदर जा रहे हैं, फिलहाल तुम्हें पता ही चल जाओगा हम कहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन बाकी तुम्हें दिखाता हूँ हम क्या करने जा रहे हैं। 2 बजे लगेगी गद्दी, अभी बज रहे हैं 1:30। फोन स्विच ऑफ, भैया वेट कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो चुके हैं, बाहर बहुत लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो अंदर ही नहीं आ पा रहे लोग, हम बिल्कुल बराबर से फ्रेश वाले और स्टाफ। अभी थोड़ी देर और वेट करो, बस आने वाले हैं, तुम्हें पता ही होगा कौन आने वाले हैं। खैर लाइव स्टार्ट हो चुका, बाकी सामने प्रेस वाले, हमारे न्यूज चैनल के आईडी ले आते ना यार, हिमांशु यही बैठते हैं वहीं, दो दो फिर क्या, एक ही बहुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की वकालत नहीं करते हैं, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। देखो साहब, हम किसी की भावनाओं को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हिंदू राष्ट्र हमें सरकार से चाहिए भी नहीं, हमें हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भारत में रहने वाले सनातनियों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर ये हिंदू, हमें कागज के हिंदू राष्ट्र बनने से भारत में बदलाव नहीं होना है, जब तक भारतीयों के दिल में हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा। भारतीयों के दिल में हिंदू राष्ट्र जिस दिन हो जाएगा, उस दिन राम पर पत्थर फेंकना बंद होगा, पालघर के संतों की निर्मम हत्या हो जाना बंद हो जाएगी, राम काल्पनिक है ये उंगली उठना बंद हो जाएगा, और कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होना बंद हो जाएगा, साक्षी जैसा कांड भी भारत में बंद हो जाएगा। हम इसलिए भारत की हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, कागज पर हिंदू राष्ट्र। गेट तो बंद है बाहर से भाई, फुल अंदर है हम। ये भाई हमारे निखिल भाई, इन्होंने मिलवाया, थैंक यू भाई निखिल भाई, अपने भाई भाई यहीं पे सेवा ला रहे हैं, मतलब बाबा के पास भाई, बाबा तो होके भी आए कई बार, कई बार मिले भाई, गिनती नहीं है, बाबा के साथ ही रहते हैं समझ लो। हाँ निखिल भाई का धन्यवाद, वहाँ से तो आगे वेट कर रहे हैं, बाबा यहीं से जाएंगे बाहर, उसी पे चढ़ लिए, भीड़ आती है ना सिक्योरिटी, देखो बाहर भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है भाई, बालाजी महाराज बोलो, टाइम हो गया ओवर भाई, जाम में फंसे फंसे 1 घंटा हो गया हमें, और ये जाम नहीं खुलने को दे रहा गांधीनगर में, समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा बहुत। देखो पूरा रोड जाम है, पूरा का पूरा, देखो रॉन्ग साइड आते हैं कुछ लोग, इनकी वजह से वो लग है, क्या ही बोलूं मैंने, देखो पूरा रॉन्ग साइड आ रखे पूरा, अब क्या ही बोलूं। पहुंच तो गए, अभी पापा का वेट कर रहे हैं, पापा आ रहे हैं अभी पीछे, मम्मी को तो मैं ले आया था घर से, पापा तो यहीं से आएंगे। मैं कह रही मम्मी की सिकल दिखा दे, लो भाई देख लो मेरी मम्मी, ये रिंग सेरेमनी मेरी बुआ की लड़की, लेट हो गए बहुत ज्यादा, जाम पता बहुत ज्यादा था, भाई जो रिश्तेदार आने थे वो तो हरियाणा से हैं, वो तो भाई आ चुके हैं कब के, और हम ही नहीं पहुंचे भाई, मैं ये पहन के जाऊंगा, कभी सोच रहे हो कि मैं ऐसे जाऊंगा,
भाई पापा भी आ गए वॉइस, पापा भी आ गए वॉइस। सो गाइस पहुंच तो गए भाई फाइनली, ये गाड़ी दोनों खड़ी कर दी है, निकलता हूँ, मम्मी वगैरह तो सब पहुंच गए, मैं छोड़ के आ गया उन्हें। तो गाइस इसके अंदर है प्रोग्राम। तो गाइस ये देखो आज तो दिखा देगी आज कैमरे मारे तो शर्मा में भाई, मेरा ब्लॉग तू ही बनाएगा ठीक है। गाइस दीदी हमारी आज दीदी दीदी आ गई गाइस फाइनली, दीदी कैमरे में ले कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। गाइस लड़का रोकने जा रहे हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ मुझे माफ कर दे क्योंकि मैं बेशरम हूँ गंदे वाला, हर जगह शुरू हो जाऊँ। गाइस हमारी दीदी अपना मेन काम कर रही है जो करने आई थी यहाँ पे और भाभी भी अपना मेन काम कर रही है जो करने आए थे। हैं भाभी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी भैया, खा रहा हूँ ठीक करने के लिए, चेज करते और तोड़ देते ठीक है, तोड़ना था यार कंटेंट तो मिलता, शादी में लड़ाई होगी। गाइस शादी नहीं है, रिंग सेरेमनी बस। क्या बता दे कहाँ, बता दे यार, दिखा दो, दिखा दे, दिखाता हूँ तुम्हें, दिखा दे यार, ढूंढने के चक्कर में हूँ। क्या कह रहा, ढूंढने के चक्कर में हूँ यार। यहाँ क्या अपने जीजा के साथ की वहाँ से लाएगा क्या तू भी हरियाणा से, हरियाणा से लाएगा तू भी, तेज हो रहा है। यही बोलते भाई, इसके ऊपर चल रही मेट्रो और पूरा हिला है, मुझे भी लगा कि भाई क्या है कटल है बेटा, सब बैठे दिक्कत ना जाए, जिंदगी झंड हो गई। मैंने तो खाना खाया नहीं, मैं तो यही खाया हूँ प्रीत, मैं तो खाना खाया नहीं, बस मैंने तो यही खाया बस। आज मेरी माँ, मेरी अम्मा, माँ भाभी को फूल दो कैमरा तो बनता ऐसे डाल दे, तू डाल दे इस व्लॉग को, और कोई देखेगा जो यहाँ पर आया सब देखेंगे। पापा नहीं नींद मारे वहाँ रोहतक तक आने वाले टाइम में जाएगा अभी नहीं है, आने वाले टाइम में पहुँच जाए। गाइस 12 बजे निकलते हैं भाई, साथ में चली जाएंगी दोनों गाड़ियाँ।